इस वक्त इसराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने इसराइल में तबाही मचा दी है। बॉर्डर पर हिजबुल्ला लड़ाके भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा तालिबान भी तैयार है, तो इसराइल पर ट्रिपल अटैक का खतरा मंडरा रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक कुल 1587 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल में 900 लोग मारे गए हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। वहीं गाज़ा पट्टी में 140 बच्चों समेत 687 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 3726 लोग घायल हुए हैं। हमास का हमला कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि हमास की तरफ से इसराइल पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नाकाम कर दिया। इसराइल ने इस हमले के जवाब में पलटकर हमास पर वार किया है। गाज़ा पट्टी में बड़े पैमाने पर इसराइली सेना ने हवाई हमला किया है। गाज़ा पट्टी ही हमास का सेंटर माना जाता है। यही वो इलाका है जिसे लेकर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों से संघर्ष होता आया है। अब इस ताज़ा हमले के बाद हालात ये हैं कि एक तरफ तो हिजबुल्ला लेबनान के लड़ाके बॉर्डर पर जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर तालिबान भी फिलिस्तीन की मदद के लिए जाना चाहता है। ऐसे में इसराइल पर ट्रिपल खतरा मंडरा रहा है। हमास, हिजबुल्ला लेबनान और तालिबान सब ये ऐसे संगठन हैं जिन्हें कई देशों ने मान्यता दी है, तो कई मुल्कों ने इन्हें आतंकी संगठन बताकर बैन लगा रखा है। हालांकि इन तीनों संगठनों में हिजबुल्ला के हालात अब पहले जैसे मजबूत नहीं हैं, लेकिन ईरान की मेहरबानी से ये संगठन आज भी सक्रिय हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये आ रही है, हमास के हमले के बाद पूरी गाज़ा पट्टी पर इसराइल की अब घेराबंदी हो गई है। खाना पानी, फ्यूल, गैस और बिजली सप्लाई भी बंद कर दी है। और दूसरी तरफ इसराइल और हमास के बीच युद्ध में भारत ने जो स्टैंड लिया है उससे मुस्लिम देशों में दोस्ती पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस पर महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के लिए ही क्यों जागता है ज़मीर, फिलिस्तीनी के लिए क्यों नहीं। यानी आज जो लोग इसराइल के समर्थन में खड़े हैं, जिस वक्त फिलिस्तीन पर हमला किया जाता है, उनके बच्चों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को निशाना बनाया जाता है, और पिछले 15 साल में तकरीबन 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, तो उस वक्त इनकी संवेदनाएं कहां चली जाती है, उस वक्त इनका ज़मीर क्यों नहीं जागता है। इसके अलावा फिलिस्तीन के समर्थन में पैदल मार्च करने वाले AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ FIR हो गई है।